Hello, my dear students. Okay, very very good morning. Very first of all to you. See, मैंने ब्लैकबोर्ड पे लिखा हुआ है डिफिकल्ट डिस्कशन. हमने फर्स्ट चैप्टर लिख लिया, ठीक है. मैंने आप लोगों को सोर्सेज ऑफ फूड, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड मैंने आप लोगों को चैप्टर समझा दिया. फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, इस नाम से आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर है. इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी चैप्टर हमने देख लिया और मैंने दोनों ही चैप्टर की डीपीपीज आप लोगों को भेजे. मैंने उसके अभी तक सॉल्यूशंस नहीं भेजे थे, ठीक है, और आप में से किसी बच्चे ने मुझे अभी तक डाउट भी नहीं पूछा. बट चलो कोई बात नहीं, आज वही डीपीपीज के मैं आपको सॉल्यूशन दे रही हूँ, हम सॉल्व करेंगे मिलकर. फिर भी कोई डाउट हो तो बेटा आप मुझे जरूर मैसेज करना, मुझे जरूर कॉल कर सकते हो, ठीक है. चलो, तो पहले जो डीपीपी हमने जो देखी थी उसके जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये था, All living things need food. सारे living beings को food की जरूरत होती है. किस किस के लिए? Options थे बेटा. पहला option था to stay alive. ठीक है. Second option था to get energy. Fine. Third option था to get nutrition. And fourth option था हमारे पास all the above. तो my dear. सारे लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत क्यों है? जिंदा रहना है, बिल्कुल. एनर्जी चाहिए, बिल्कुल. न्यूट्रिशन चाहिए, बिल्कुल. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल दी अबव, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन आएगा फूड कंटेन. सेकंड क्वेश्चन जो था वो क्या था? फूड कंटेन. तो क्या क्या ऑप्शन है उसमें? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, All the above, right? तो फूड के अंदर हमने क्या क्या कॉम्पोनेंट्स पढ़े? हमने विटामिन भी पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ा, प्रोटीन भी पढ़े. तो इट मीन्स फूड कंटेन्स ऑल द कॉम्पोनेंट्स, ठीक है. चलिए थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं. द फूड टेकन एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे. किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे डे, पूरा एक दिन होता है, हम लंच लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, डिनर लेते हैं, ठीक है. इवनिंग टाइम में समटाइम्स हम क्या बोलते हैं, स्नैक्स लेते हैं, ठीक है. ये जो पर्टिकुलर टाइम पे पूरे दिन में हम जो मील ले, हम जो खाना खाते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको ऑप्शंस देखो आपके सामने क्या क्या थे. ब्रेकफास्ट, मील, थर्ड ऑप्शन था आपके पास लंच, एंड फोर्थ ऑप्शन था डिनर. सी, ब्रेकफास्ट कब बोला जाता है पर्टिकुलर डे में? जब उसको मॉर्निंग टाइम में लिया जाता है. फाइन, लंच कब बोलते हैं? जब हम उसको पर्टिकुलर डे में कब लेते हैं? नून टाइम पे, आफ्टरनून टाइम पे, आफ्टर 12 o'clock, ठीक है. फिर डिनर कब लेते हैं? नाइट के टाइम पे, आफ्टर इवनिंग, नियर अबाउट 8 or 9 o'clock, ठीक है, शाम में. और मील इज द करेक्ट आंसर कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे हम जो फूड ले रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? वी आर टेकिंग मील, ठीक है. अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. तो फूड ईटन इन आफ्टरनून, अगेन वही ऑप्शंस है आपके पास. और मैंने अभी आपको बताया नून के टाइम पे, दिन के समय पे जो हम फूड लेते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? लंच, राइट. तो फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, फूड ईटन इन आफ्टरनून इज नोन एज लंच, ठीक है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर क्या है? लंच. फाइन बेटा, चलो अभी हम फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं. Food is required for, food किस लिए required है? मतलब हम जो daily life में खाना खाते हैं वो क्यों जरूरी है, ठीक है. तो पहला option था आपके पास, हम question number 5 देख रहे हैं, पहला option था body growth, B option था to increase our immunity, immunity बढ़ाई थी ना मैंने आपको, nourishment मिलता है बेटा इससे हमें. For the repair of damaged part, जब हमारी बॉडी में डैमेज और इंजरी हो जाती है, लग जाती है चोट, तो उसको भी तो ठीक करता है. और सेकेंड आ गया अगेन ऑल दी अबव. तो हमको जब हम खाना खाते हैं तो उससे हमें क्या क्या मिल रहा है बेटा? सी, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, बिल्कुल होती है. हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, स्ट्रांग होती है, बिल्कुल होती है. जो बॉडी में हमें चोट लग जाती है, कई पार्ट्स रप्चर हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो बोन क्या हो जाती है? डैमेज, टूट जाती है, सेल्स डैमेज हो जाते हैं. दोबारा उसको रिपेयर करने में हमें क्या चाहिए?
एनर्जी चाहिए, विटामिन चाहिए, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेंगे, हम जो खाना खाते हैं उससे मिलेंगे, तो रिपेयर करते हैं, तो आंसर इज ऑल द अबव, आंसर इज ऑल द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। थेपला इज फेमस डिश ऑफ, आप सबको पता है थेपला कौन सी जगह का फेमस डिश है, गुजरात, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, गुजरात। यहाँ पे थेपला बहुत फेमस है, थेपला इज लाइक अ पराठा, किसका पराठा, मैथी पराठा, ठीक है। दही भल्ला, इसको दही बड़े भी बोलते हैं कई जगहों पर, दही भल्ला का फेमस डिश है कहाँ की बेटा, पंजाब की। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज पंजाब, ओके। सबके मुंह में पानी आ रहा होगा ना अच्छे अच्छे डिशेस को सुनकर। चलिए लास्ट, अच्छा ठीक है, हमने पंजाब की तो देख ली बेटा, राजस्थान की फेमस डिश क्या है, राजस्थान की फेमस डिश क्या है, दाल बाटी, ओके, लहसुन की चटनी, राइट। चलिए तमिलनाडु, तमिलनाडु इज वेयर लोकेटेड, वेयर इन साउथ डायरेक्शन, ठीक है, साउथ में है वो तमिलनाडु, केरला, वहां के लोग ज्यादा क्या खाना पसंद करते हैं, इडली डोसा, ठीक है, राइस। चलो लिस्ट ऑफ डिशेस और फूड आइटम्स इज नोन एज, हम लोग रेस्टोरेंट्स जाते हैं, ठीक है, हम लोग कोई भी ऐसी जगह पर जहाँ पे हम जैसे लाइक पिज्जा खाने जाते हैं, होटल्स जाते हैं या फिर रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है हमें कुछ ऑर्डर करना होता है तो हमारे सामने क्या ला के रखते हैं, वहां पे वेटर क्या ला के रखते हैं हमारे सामने, मेन्यू बुक रखते हैं, और उस मेन्यू बुक में क्या होता है, क्लासेस होते हैं फूड की, जैसे कि पहले स्टार्टर्स है ना, स्टार्टर्स में क्या क्या चाहिए, फिर सूप, सूप की सारी वैरायटी एक जगह पर लिखी होती है, ठीक है, वेजिटेबल, पनीर वेजिटेबल, इसकी वैरायटी सारी एक जगह पर लिखी हुई होती है, होता है कि नहीं ऐसा। इसके अलावा राइस की वैरायटी सारी एक जगह पर है ना, चाइनीज आइटम की वैरायटी सब एक जगह पर। तो बेटा ये क्या है, जब सेम फूड आइटम्स वो भी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के, लेकिन उनको क्या किया जाता है, इस तरीके से एक एक टाइप के अंदर उसको क्लासिफाई कर देते हैं कि चाइनीज आइटम में ये सारे ऑप्शंस हैं, सूप में ये सारे ऑप्शंस हैं, पनीर की वेजिटेबल में ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक सिस्टमैटिकली डिशेस को क्या करा है, अरेंज किया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपन मेन्यू बोलते हैं। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, लिस्ट ऑफ डिशेज और फूड आइटम, जब भी डिशेज और फूड आइटम्स की जो लिस्ट होती है अरेंज फॉर्म में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेन्यू बोलेंगे, ठीक है। तो आंसर इज क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, मेन्यू। चलिए आगे देखते हैं, अब हम फूड इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर खीर, सबको पता है खीर किससे बनाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 9, खीर बनाने के लिए क्या क्या यूज होता है, सी मिल्क यूज होता है, ठीक है। खीर में क्या डलता है, राइस और शुगर, ये तीन चीजें तो इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा अगर हमें फ्लेवर चाहिए तो हम क्या डाल देते हैं, कार्डमम, कार्डमम मीन्स इलायची डाल देते हैं, सैफरन, सैफरन मीन्स नाउ दी मैं उसको शायद आई डोंट नो बेटा उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आप गूगल कर सकते हो सैफरन, ठीक है बेटा। ये सब क्या है, फिर फ्लेवर देते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। अदरवाइज क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, मिल्क, राइस और शुगर, क्लियर। तो आंसर इज ए ऑप्शन, ऑप्शन ए, क्वेश्चन 9 का ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है, मिल्क, राइस एंड शुगर। चलो आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10, पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया, आपको पता है इंडिया में टोटल 29 स्टेट्स हैं, ठीक है, पहले 28 थे, फिर क्या हुआ, मध्य प्रदेश डिवाइड हो गया, छत्तीसगढ़ बन गया, तो 29 स्टेट्स हो गए टोटल, फाइन। अब 29 स्टेट्स है बेटा, तो 29 स्टेट्स के लोग अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो क्या है, सबका अपना अपना जो फूड ईटिंग हैबिट है और जो डिशेज है वो भी तो डिफरेंट डिफरेंट है। सी आप गुजरात की बात करें तो गुजरात में ज्यादातर क्या मिलेगा, ढोकला, खमन, पतड़ी और थेपला, ये सब मिलेगा, खिचड़ी, ठीक है।
वही अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो आपको मिलेगा दाल बाटी, लहसुन की चटनी, पापड़, ये सब मिलेगा आपको, तीखी चीजें मिलेंगी आपको। वही अगर मैं बात करूँ साउथ साइड केरला तमिलनाडु, तो आपको ज्यादातर वहाँ पे क्या मिलेंगे, पुडिंग्स मिलेंगे, इडली डोसा सांभर वड़ा सांभर, ठीक है, ये सारी चीजें राइस के आइटम आपको ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ वेस्ट बंगाल ईस्ट साइड जाने की, तो आपको ज्यादातर वहाँ पे क्या मिलेंगे, फिश की डिशेज मिलेंगी आपको, फिश करी मिलेगी, राइस मिलेंगे आपको, ठीक है, रसगुल्ला वहाँ पे फेमस है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है बेटा, जगह जगह पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिशेज है। मुंबई में आप जाओगे वड़ा पाव बहुत फेमस है वहाँ पे, पकौड़े बहुत फेमस है वहाँ पे, ठीक है। तो आपने देखा ना अलग अलग जगह पर अलग 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 स्टेट में अलग अलग डिशेज की पॉपुलैरिटी है, लोग अलग अलग डिशेज को खाना पसंद करते हैं। द क्वेश्चन इज पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया, ऑप्शन इज ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। मैं आपके सामने यार ऑप्शंस लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, ए ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, बी ऑप्शन है ईट सेम काइंड ऑफ फूड, सी ऑप्शन है ईट वेजिटेबल ओनली, and all of the above, ठीक है बेटा। see तो different different states, India के different different states के जो लोग हैं वो क्या करते हैं बेटा, eat different kind of food। अभी मैंने आप लोगों को example के साथ बता दिया, different different states वहाँ पे different different popular dishes, तो different different kind के food हो गए, same kind का food कोई नहीं खाता। क्या गुजरात में अगर थेपला खाते हैं, खमन खाते हैं, जो क्या राजस्थान के लोग भी खाएंगे, क्या साउथ साइड के लोग भी खाएंगे, नहीं खाते। क्या सिर्फ वेजिटेबल खाते हैं, नहीं, कई जगहों पर दाल ज्यादा प्रेफर करते हैं, कहीं पे नॉन वेज आइटम्स ज्यादा खाए जाते हैं, एंड या ऑल द अबव, ठीक है। तो आंसर इज ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, ठीक है। चलो तो आज मैंने आप लोगों को आपकी डीटीपी फर्स्ट का सोल्यूशन आपको बताया था, नेक्स्ट क्लास में या फर्दर जब भी, ठीक है, तो मैं आपको डीपीपी 2 का सोल्यूशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तब तक आप डीपीपी 2 अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो, कोई डाउट आए बेटा तो मुझे तुरंत कॉल करो या फिर मुझे मैसेज करो, ताकि मुझे आप लोगों के डाउट्स के बारे में पता चले, मुझे ये समझ आए कि आप कितने बच्चे वीडियोस देखते हैं और आपको कितना समझ आ रहा है। सी बेटा टाइम अभी बहुत खराब चल रहा है, फाइनल हम स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, हम कोचिंग जा नहीं पा रहे हैं, पर पढ़ना तो है, साल तो खराब बिल्कुल नहीं करना। अगर साल खराब हो गया तो हमारा एक साल का जो नॉलेज का लैकिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा बेटा, बहुत वास्ट हो जाएगा। फिर जब दोबारा स्कूल रीओपन होंगे तो हम वापस से क्या कर पाएंगे, उन पुरानी चीजों को या तो याद करो या फिर नए सब्जेक्ट्स नए टॉपिक को पढ़ो, दोनों में ही आपकी क्लैशिंग हो जाएगी, क्लैशिंग हो जाएगी तो माइंड काम नहीं करेगा। इसलिए इस साल के जो टॉपिक है बेटा उसको अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करो, जितना हो उतने क्वेश्चन आंसर्स करो, जितना हो उतना चैप्टर पढ़ो, वीडियोस देखो हमारे। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है बेटा तो आप पूछो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं सोचना कि नहीं मैम अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल जाना है नहीं, तो बस बच्चे इजी है, कोई देख नहीं रहा हमें, हम पढ़े या नहीं पढ़े, ऐसा नहीं है बेटा, आपको खुद के लिए पढ़ना है, क्योंकि यही पढ़ाई आपको नेक्स्ट ईयर काम आएगी, ठीक है। बेस आपका यहीं से स्ट्रांग होगा, हम रिवीज करेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये जो क्वेश्चंस है चैप्टर में से कैसे बनती है, लैंग्वेज कैसे बनती है, ठीक है। तो हम नए नए तरीके के क्वेश्चंस को और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। हम सिर्फ इसे एनसीईआरटी हमें रटनी नहीं है, हमें समझनी है, ठीक है। एनसीईआरटी पे बुक के अंदर आपने देखा होगा आपके बुक के एक्स्ट्रा यहाँ पे कितने क्वेश्चंस बन के आ गए जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर नहीं थे। सो इट इज नेसेसरी कि हम थोड़ा सा वास्ट सोचे और हम थोड़ा सा वास्ट पढ़े, ओके बेटा, ठीक है। तब तक स्टे सेफ, नेक्स्ट हफ्ते हम आपको डीपीपी 2 सॉल्व करके बताएंगे।